हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराजा बैटरी के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम जब हमने बात किया था उस टाइम में आपको स्टॉक अराउंड 750 के अराउंड आपको ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से हम लोगों ने इसमें 700 का टारगेट रखा था। टारगेट आपको वहाँ पर अचीव हो गया था। उसके बाद भी आपको ऑलमोस्ट 670 तक जो है ये स्टॉक करेक्ट हुआ, और उसके बाद जो है स्टॉक में एक अच्छा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ सेशन से यहाँ पे अगेन एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना था लेकिन हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इसलिए अब हम लोगों को वेट करना होगा। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है लास्ट स्विंग लो, जो कि आपको है 667 के पास, और अभी ये स्टॉक आपको 680 के पास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको इस लेवल के पास आके स्टॉक फिर से खड़ा है। तो अगर आपको ये लेवल ब्रेक होता है, 667 का लेवल अगर आपको डेली चार्ट में ब्रेक होता है, तो फिर जो है आपको इस स्टॉक में 600 तक जो है कोई सपोर्ट नहीं है। और ये आपको क्लियरली जो है वीकली चार्ट, अब आप देखोगे तो वीकली चार्ट में यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो है लास्ट स्विंग लो के नीचे ही हुआ है। क्लोजिंग आपको वीक अभी क्रॉस नहीं हुआ है, बट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, 667 के लेवल को अगर क्रॉस करके स्टॉक जो है नीचे की ओर आपको क्लोजिंग देता है डेली चार्ट में, तो फिर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 600 से पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 65 पॉइंट का जो है एक इजी टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये स्टॉक जो है आपको लगातार बियरी से काफ़ी सेशन से आपको यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट लास्ट के 3 to 4 मंथ से जो है ये स्टॉक बियरी सी है। तो इस स्टॉक को जो है आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं इस स्टॉक में, तो वो लोग जो है 15 मिनट के चार्ट में भी इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल यहाँ पे भी वेट करना है, अभी आपको यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है। एक बार जो है आप 670 के नीचे निकलने दीजिए स्टॉक को, उसके बाद ही आपको सेल करना है। इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो उसके बाद ही वहाँ पे आपको सेलिंग करना है। एक बार इसको क्रॉस होने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए। एक बार रिटेस्ट होने के बाद अगर आपको यहाँ पे बेयरिश साइन दिखता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं, और पोजिशनली अगर आप लेके जाएंगे तो फिर जो है आपको यहाँ पे इजीली 50 to 60 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है तो आपको ये टारगेट जो है बहुत जल्द 1 वीक के अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वीक में इस स्टॉक में जो है एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। तो अगर मोमेंटम मुझे दिखेगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं अपडेट नहीं भी कर पाया तो आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 670-665 के नीचे। इस जोन के नीचे एक बार निकलने दीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करने के बाद अगर आपको बियरिश साइन दिखता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है एक अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे बियरिश है, डेली चार्ट पे बियरिश है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।